हेलो गाइस, तो यहाँ पर हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे रेडमी नोट 9 का डिवाइस। गाइस यहाँ पर इंडिया में तो फाइनली रेडमी नोट 9 के लिए इंडिया के लिए एक न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है मी वाई 12 का। यहाँ पर आप लोग साइज देख सकते हो, लगभग 199 MB की साइज है। यहाँ पर ये मी वाई 12.0.6.0 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने के लिए मिलता है। अगर आपके डिवाइस में मी वाई 11.0.5.0 का अपडेटेड होगा तो यहाँ पर आप लोग को ये 199 MB की साइज देखने के लिए मिलेगी। ये अपडेट गाइज यहाँ पर जस्ट अभी 10 मिनट पहले ही रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है रेडमी नोट 9 के डिवाइस में। अगर आप लोग इंडिया में रेडमी नोट 9 का डिवाइस यूज़ करते हो, जाओ अपने सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाकर चेक करो, आपको ये अपडेट्स देखने के लिए मिला होगा। इस अपडेट की बात करूँ तो अपडेट लॉग में क्या देखने के लिए मिलेगा, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही गाइज यहाँ पर देखना होगा, अब अपडेट करने के बाद पता चलेगा क्या हमें इस अपडेट में डार्क मोड 3.0 का ऑप्शन देखने के लिए मिलता भी है या फिर नहीं। और एंड्रॉइड 11 का अपडेट अभी भी देखने के लिए नहीं मिलता है गाइज, तो यहाँ पर एंड्रॉइड 11 अपडेट के लिए आप लोग को और वेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जनवरी एंड तक या फिर फेब्रुआरी में आप लोग के लिए एंड्रॉइड 11 अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है गाइज यहाँ पर ये अपडेट आप लोग के लिए मी वाई 12.5 के अपडेट के साथ भी देखने के लिए मिल जाए। तो अगर आप लोग के पास रेडमी नोट 9 का डिवाइस है इंडियन वेरियंट, तो गाइज यहाँ पर जाओ चेक करो। अगर नहीं आया अपडेट तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर इसकी लिंक्स मैंने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है गाइज, यहाँ पर अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि कोई भी अपडेट आती है उसकी लिंक्स वगैरह न्यूज़ वगैरह मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो आप लोग इसको यहाँ से डाउनलोड करके मैनुअली जाके अपडेट अभी कर सकते हो अपने डिवाइस में। और गाइज यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर लेना, नीचे जो लाल बटन देखने को मिलता है जिसपे लिखा है सब्सक्राइब, इसको प्रेस भी कर देना। सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता, ताकि आपको कोई भी अपडेट आए, न्यूज़ आए, उसके बारे में सबसे पहले आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए मिल जाए। तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।